अक्सर विवादों में रहने वाले भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विंध्य क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सही नहीं हुई तो रैगांव में आने वाले चुनाव के परिणाम बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी पहले ही पार्टी लाइन के खिलाफ हो चुके हैं। वहीं उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश में बिजली की किल्लत बनी हुई है, लेकिन व्यापारियों और किसानों के बिजली के बिल लाखों में दिए जा रहे हैं, जिसके चलते आमजन और किसान परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर सरकार नहीं चेती तो बिजली बिल के भुगतान पर रोक लगाई जाएगी। नरेंद्र त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार के रवैये के खिलाफ बयान देते हुए कहा, अगर किसानों और आमजनों की समस्या नहीं सुनी गई तो रौगांव में उपचुनाव के नतीजे पार्टी के खिलाफ आ सकते हैं। वहीं अपने सतना दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा था कि क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या नहीं है। प्रदेश तो बिजली में परिपूर्ण है और बड़ी अच्छी बिजली का उत्पादन अपने हो रहा है और भरपूर हो रहा है, इसलिए कोई सामान्य कोई कटौती वगैरह हो रही हो तो मैं नहीं कह सकता। जन से मुख्यमंत्री जी से अपील और प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ का किसान, कोई बिंद भर का मामला नहीं होगा, होगा तो ये पूरे प्रदेश को होगा, पर बिंद का किसान भी कहीं ना कहीं पीड़ित और प्रताड़ित है। बिजली के रेट आप बढ़ा दिए, बिजली मिल नहीं पा रही, खाद के रेट 1,000 रुपये क्विंटल बढ़ा दिए गए, ऐसी स्थिति में आखिर किसान करेगा क्या? किसान पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, तो किसान के तरफ देखने की जरूरत। बिजली विभाग भी धंधा और व्यापार कर रहा है, आपके पास खंभे नहीं है, आपके पास तार नहीं है, आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, मीटर नहीं लगा पा रहे हो, ये तमाम चीजें हैं। यदि बिजली विभाग नहीं सुधरा तो बिजली विभाग को भी इसके परिणाम भोगना पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।